नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ की शुरुआत से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस सीरीज़ में कई अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन को आजमाया जाएगा ताकि T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियाँ बेहतर हो सकें। पाकिस्तान ने इस साल साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ में जीत हासिल की थी। हालांकि उन्हें इंग्लैंड से हाल ही में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड से पाकिस्तान को वनडे और T20 दोनों ही सीरीज में शिकस्त झेलनी पड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दावा किया है कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज में उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे पर वनडे और T20 सीरीज में मात झेलने के बाद कैरिबियाई दौरे पर गई है, जहां 4 मैचों की T20 सीरीज़ के साथ पाकिस्तान को वेस्टइंडीज़ के दौरे की शुरुआत करनी है। T20 सीरीज़ के पहले मैच से पहले बाबर आजम ने कहा है कि 4 मैचों की T20 सीरीज़ में उनकी टीम T20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज़ से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें, पहले T20 मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बाबर आजम ने अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर भरोसा जताया है और कहा है कि इंग्लैंड की और वेस्टइंडीज की परिस्थितियों में अंतर है और हमारा रिकॉर्ड भी कैरेबियाई टीम के खिलाफ बेहतर है। बाबर आजम ने कहा, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड में परिस्थितियां अलग हैं और उम्मीद है कि सीरीज़ में हमारे लिए अच्छे नतीजे आएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 3-0 से वनडे सीरीज और 2-1 से T20 सीरीज़ हारी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।